हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फिजिबिलिटी फेज। फिजिबिलिटी फेज हमारे पास एसडीएलसी यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक फेज होता है, यानी कि एक स्टेप होता है। इससे पहले की वीडियोस में हमने एसडीएलसी यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दो और फेजेस भी पढ़े थे। पहला हमने जो फेज पढ़ा था वो हमारे पास था डिफाइनिंग फेज, और दूसरा फेज हमने एसडीएलसी लाइफ साइकिल का पढ़ा था प्लानिंग फेज यानी कि प्लानिंग स्टेप। अब आज की वीडियो में हम लोग इस लाइफ साइकिल का तीसरा बहुत ही एक अहम स्टेप देखेंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं फिजिबिलिटी फेज का। फिजिबिलिटी फेज में हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, जो सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे पास फिजिबल है या नहीं। अब यहाँ पे हमें फिजिबल का मतलब पता होना चाहिए। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल टू डू, यानी अगर मैं कहूं कि कोई चीज या कोई सिस्टम जो हम बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, वो पॉसिबल है यानी ये मुमकिन है कि उसको बनाया जा सके, तो वो फिर हमारे पास फिजिबल कहलाता है। और इसी तरह अगर वो मुमकिन ना हो तो फिर पॉसिबल टू डू और नॉट, तो वो फिर हमारे पास नॉट फिजिबल कहलाता है। इस केस में हमारे पास ये कहलाएगा नॉट फिजिबल, यानी इसको हम लोग नहीं बना सकते, ये हमारे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। इस फेज में एसडीएलसी के इस स्टेप में हम लोग यही देखते हैं कि जो सिस्टम या जो प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, वो हमारे पास पॉसिबल भी है यानी कि मुमकिन भी है या नहीं। एसडीएलसी के इस फेज यानी कि इस स्टेप में हम लोग तीन चार चीजों को चेक करते हैं कि वो हमारे पास पॉसिबल हैं या नहीं। चलिए आगे चलते हैं और उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहली चीज जिसको हम चेक करते हैं वो पॉसिबल है या नहीं, वो हमारे पास होता है स्केड्यूल। स्केड्यूल यानी कि हमारे पास टाइम। हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारा सिस्टम हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, हम वो अवेलेबल टाइम में यानी जो हमारे पास वक्त मौजूद है उस वक्त के अंदर अंदर उसको बना सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मौजूद हैं, और हमारे पास एक क्लाइंट आता है, हमारे पास एक कस्टमर आता है जो हमें कहता है कि उसने हमसे एक सिस्टम बनवाना है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनवाना है 30 डेज के अंदर अंदर। अब हम लोग यहाँ पर स्केड्यूल फिजिबिलिटी में ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो टाइम हमें कस्टमर की तरफ से दिया गया है, इसके अंदर हमसे ये प्रोजेक्ट, ये सिस्टम बन भी सकता है या नहीं, यानी ये इस टाइम के साथ फिजिबल है या नहीं। फिजिबल से मुराद पॉसिबल है या नहीं। तो स्केड्यूल फिजिबिलिटी में हम लोग इस चीज़ को चेक करते हैं। उसके बाद अगली जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हमने चेक करनी होती है वो होती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक से यहां मुराद कॉस्ट या बेनिफिट की है। इस बात से ये मुराद है कि पहले हम लोग कॉस्ट को समझते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, इसी केस में हमारा कस्टमर कहता है कि ये जो आपने हमें सिस्टम बना के देना है, इसके लिए वो हमें 15,000 रुपीज देगा, लेकिन हो सकता है कि इसको बनाने की जो कॉस्ट आ रही हो वो 15,000 से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 16,000 आ रही हो। तो हम लोग देखेंगे कि क्या इस कॉस्ट में जो हमें दी जा रही है, जो कि यहां पर 15,000 है, इस कॉस्ट के अंदर अंदर हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो यहां पर हम लोग 15,000 के अंदर अंदर नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक फिजिबल नहीं होगा, यानी कॉस्ट हमारे पास क्योंकि इसकी ज्यादा जा रही है तो ये हमारे पास पॉसिबल करना नहीं होगा। इसी तरह हो सकता था कि हमारे पास कॉस्ट इसकी कम लग रही होती, 14,000। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास जो सिस्टम होगा वो 14,000 में हम लोग बना तो सकेंगे क्योंकि हमें 15,000 मिल रहे हैं, लेकिन हमें यहां पे बेनिफिट कितना होगा, सिर्फ 1,000 रुपीज का। यहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ऑप्शंस थी सिस्टम्स बनाने की, एक हमारे पास कस्टमर वन की तरफ से थी और दूसरी हमारे पास एक कस्टमर टू की तरफ से थी। जो कस्टमर टू था उसने हमें कहा था कि वो हमें सेम प्रोजेक्ट के देगा 18,000 रुपए यानी कि 18,000 रुपीज। तो इस केस में भी अगर हमारी कॉस्ट जो है वो 14,000 आ रही है, तो इस केस में हमें बेनिफिट कितना हो जाएगा, यानी फायदा कितना हो जाएगा, 18,000 माइनस 14,000, 4,000 रुपीज का। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हमें यहां पर फायदा ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग फिर इस वाले प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे हमें फायदा ज्यादा है इस प्रोजेक्ट को करने का। तो ये हमारे पास होती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जिसमें हम लोग कॉस्ट यानी पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें होते हैं उनको देखते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सी है और सबसे ज्यादा फिजिबल, सबसे ज्यादा पॉसिबल कौन सी हमारे लिए ऑप्शन है। पॉसिबल हमारे लिए ये भी थी और जिसमें हमें 1000 रुपीज का फायदा हो रहा था, और दूसरी हमें ये भी थी जिसमें हमें 4000 का फायदा हो रहा था, लेकिन हम लोग ज्यादा फायदे वाली तरफ चले गए। तो इस केस में हमने बेनिफिट को देखा, और पहले यहां पर हमने इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के पहले केस में किसको देखा था, कॉस्ट को। यानी अगर कॉस्ट ही आपके पास जो कस्टमर हमें पे कर रहा है उससे ज्यादा है, यानी जब हम उस पर काम कर रहे हैं तो हमारा खर्चा उसके ऊपर 16000 आ रहा है लेकिन कस्टमर हमें 15000 पे कर रहा है, तो ये तो हमें लॉस हो रहा है यानी कि नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे पास फिजिबल नहीं है, हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम कौन सी दो चीजों को देखते हैं, कॉस्ट को और बेनिफिट को। अब आगे चलते हैं और कुछ और फिजिबिलिटी हम लोग देखते हैं। अगली चीज जिसकी हम लोग फिजिबिलिटी चेक करते हैं, यानी चेक करते हैं कि वो हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं, वो है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी से ये मुराद है कि जो सिस्टम हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो हमारे लिए टेक्निकली पॉसिबल भी है, यानी हमारे पास वो टेक्निकल स्किल है जो जिसकी ज़रूरत है वो सिस्टम बनाने के लिए, या फॉर एग्जांपल वो सिस्टम बनाने के लिए हमें किसी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो मशीनरी हमारे पास मौजूद है या नहीं है। यानी हर वो टेक्निकल चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो हमारे पास होना लाजमी है। और इस स्टेप में हम लोग यही चेक करते हैं कि वो तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं या नहीं। अगर हमारे पास वो तमाम चीजें मौजूद हैं, यानी हमारे पास स्किल भी मौजूद है, हमें काम आता भी है और हमारे पास मशीनरी भी मौजूद है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास टेक्निकली फिजिबल है, यानी टेक्निकली पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो फिर हम लोग काम अपना नहीं कर सकेंगे और हम कहेंगे कि ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है, यानी कि ये मुमकिन नहीं है टेक्निकली कि हम इस सिस्टम को बना सकें। उसके बाद हमारे पास आती है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं जब वो सिस्टम बन जाएगा तो वो हमारे यूजर के पसंद के मुताबिक होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कस्टमर आता है और हमसे कहता है कि उसने हमसे एक सिस्टम बनवाना है, सॉफ्टवेयर सिस्टम हमसे बनवाना है उसने, और वो सॉफ्टवेयर सिस्टम उसने एक वेबसाइट बनवानी है। अब हो सकता है कि जो हम वेबसाइट बनाएं वो उसको पसंद आए या ना पसंद आए, क्योंकि हर किसी की पसंद डिज़ाइन का अलग अलग होता है। तो हम लोग इस स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग यूज़र से जो भी वेबसाइट को यूज़ करना चाहता है या जो हमारा कस्टमर है उससे उसकी पसंद के बारे में, उससे उसकी लाइकनेस के बारे में पूछते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो यूज़र की लाइकनेस है वो हमारे लिए बनाना पॉसिबल है या नहीं है। अगर तो हमारे पास वो पॉसिबल हो तो वो हमारे पास ऑपरेशनल फिजिबल होता है, अगर वो पॉसिबल ना हो तो फिर हम लोग उस प्रोजेक्ट को नहीं करते क्योंकि वो फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि कस्टमर हमसे कुछ ऐसी चीज़ मांग रहा होता है जो हम लोग उसको नहीं बना के दे सकते। अब यहाँ पर वेबसाइट तो हम लोग बना सकते हैं लेकिन मसला आ रहा है डिज़ाइन का। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी है, हम लोग वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं लेकिन अब जो डिज़ाइन हम लोगों को पसंद आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र को भी पसंद आए, यानी जिस बंदे ने वो वेबसाइट इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को भी चेक करना यूज़र की तरफ से, यानी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग आखिरी चीज़ जिसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है वो है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी हमारे पास बहुत ही ज़रूरी होती है। इसकी वजह ये है कि जिस भी जगह पर, जिस भी मुल्क में, कंट्री में, सिटी में हम लोग काम कर रहे होते हैं, हर जगह के कुछ हमारे पास लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। लीगल फिजिबिलिटी में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कोई लॉ तो नहीं तोड़ रहा, किसी लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो अगर तो हमारा सिस्टम कोई भी लॉ नहीं तोड़ रहा और वो किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा तो हम इसको कहेंगे कि ये लीगल फिजिबल है, लीगली फिजिबल है, यानी कि लीगली पॉसिबल है, लीगल हमें यहाँ पर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारा जो सिस्टम हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो फिर वो हमारे पास
फिजिबल नहीं होगा, हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, और फिर हम इस सिस्टम को नहीं बनाएंगे क्योंकि ये किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेप में हमने देखा कि जब भी हम लोग कोई सिस्टम बनाना शुरू करते हैं तो वो बनाने से पहले हम लोग क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने देखा स्केड्यूल फिजिबिलिटी को कि क्या हम टाइम के अंदर बना सकते हैं कि नहीं, फिर इकोनॉमिक यानी कि कॉस्ट को देखा, फिर टेक्निकल हमने देखा, फिर हमने ऑपरेशनल, और फिर आखिर में हमने लीगल यानी कि कानूनी तौर पे हमने देखा कि वो मुमकिन है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।